हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का क्रिस प्रशांत जोशी ऑफिशियल चैनल पर। आज के शाम मैं रात को डिनर में इडली बना रही थी, और इडली सांभर, तो मैंने आज इडली, वो जो रेडीमेड कोल आता है ना, मैं ज़्यादा उससे की इडली बनाती हूँ। पर मैंने आज सोचा कि चलो सूजी की बना लेते हैं, तो एक घंटे पहले ही मैंने गोल बना दिया था और रख दिया था। आपके पास अगर टाइम है तो आप 2 घंटे पहले भी बना सकते हैं, मतलब गोल बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे इडली, जो इडली के स्टैंड है ये, सबको अच्छे से ऐसे गोल को डाल के रख दूंगी। और गोल डालने से पहले जो इडली के स्टैंड है उन के थोड़ा सा ऊपर घी लगा दीजिए, ताकि हमारी इडली जो है चिपके नहीं। तो यहाँ पर फाइनली सारी इडली का गोल स्टैंड में भर के मैंने इडली को रख दिया है कुकर में, इडली बनने को रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने ये दाल को साथ में रखा हुआ था, तो ये भी बॉईल हो गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, तो थोड़ा पानी डाल के पतला, क्योंकि सांभर थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से पतला कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने मसाला भी बना लिया है, तो मसाले में मैंने हरी मिर्ची और प्याज और टमाटर कट करके डाला है, और जैसे नॉर्मल तड़का लगाते हैं, और हींग और सारे मसाले डाले हैं। उसके बाद मैंने ये जो दाल को बॉईल किया था वो भी डाल दिया है, थोड़ा सा पतला करके डाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इडली भी बन चुकी है पास में, तो ऐसे मैं चेक कर रही हूँ चाकू से, और हमारी इडली देखो तैयार हो गई है एकदम रेडी। तो यहाँ पर पास में सांभर बन रहा है। सांभर मैंने थोड़ा सा और भी ज़्यादा पतला नहीं रखा है, क्योंकि दाल चावल नहीं है जो ज़्यादा पतला रखूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, आप देख सकते हो इस तरीके से इसको रखा है। और किस किस को सूजी की इडली पसंद है और ये सांभर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो इतना पसंद नहीं है, मुझे डोसा पसंद है ज़्यादा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इडली तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उनके लिए ही आज मैंने पर्सनली बनाई है, सच बता रही हूँ। और कल करवा चौथ था, तो मैंने सोचा चलो आज इनकी पसंद का बना देती हूँ। मैं वैसे करती नहीं हूँ करवा चौथ, पर सोचा चलो आज इनके लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ। इनके लिए व्रत नहीं रखा तो कोई बात नहीं, कुछ स्पेशल इनको आज खिला देते हैं। कब से बोल रहे थे इडली बनाओ इडली बनाओ, तो मैं ये सूजी की इडली बनाई, क्योंकि उनको सूजी की इडली ही खानी थी, तो फिर मैंने बनाई। और मैं किस लिए नहीं बनाती गाइस, इसके बर्तन और बहुत होते हैं, बनाने में कुछ नहीं जाता है, बाकी बर्तन वगैरह, और ऐसे आलस आता है इडली बनाने का, नाम लेते हैं ना, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं है इसलिए, तो भी मैं थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। जितना डोसा पसंद करके खाती हूँ उतने मैं इडली को नहीं खाती, तो ऐसे इडली बना के खाने के बाद बर्तनों की हालत देख सकते हो, मैं कैमरे से दिखाती हूँ। मैं खाना खा लिया पर आलस आ रहा है, पर धोना तो पड़ेगा, एक बार बैठ जाऊँगी ना तो फिर नहीं धोए जाएंगे, तो धो के और फिर ही बैठूँगी। तो अभी जस्ट खाना खाया है और अभी बर्तन धो के और फिर रेस्ट करूँगी पूरा किचन का काम ख़त्म करके, तो बर्तन दिखाती हूँ मैं। इडली खाना आसान है, पर इडली बनाना भी, बनाने में भी मुश्किल नहीं है इतना, और उसके जो बर्तन होते हैं ना वो धोने मुश्किल है। गाइस आप बर्तन देख सकते हो, और एक इधर साइड में रखा हुआ है, एक इधर ये कुकर रखा हुआ है, ये बहुत पूरा। अब इसको धो के फिर रेस्ट करूँगी। फिर गाइस हमारी हो गई थी गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग होने के बाद एक चाय पी ली, और एक बार ही पी, हाँ 2 बार पीते हैं हम मॉर्निंग में चाय, क्योंकि हम जल्दी उठते हैं, तो 2-3 घंटे बाद एक नाश्ते के साथ और चाय बनानी होती है इसलिए। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ, ये जो तांबे का है, और इसको काफ़ी गाइस मुश्किल से धोना पड़ता है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ इसको नहीं धोती हूँ, और ऐसे ही इसमें पानी रहता है, तो इसको अच्छे से ऐसे ही धो के रख देती हूँ। पर जो पीतांबरी से धोते हैं ना, वो रोज़ रोज़ नहीं धोती, तो यहाँ पर आज आप देख सकते हो मैंने इसको चमका दिया एकदम, इसमें पानी रखते हैं, पीते हैं, बोलते हैं काफ़ी अच्छा रहता है, कुछ बीमारियां नहीं होती हैं, तो मैं इसमें पानी रखती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी चाय, ये सेकंड चाय है,
क्योंकि आज इनका फास्ट भी था और नाश्ता तो बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो एक चाय बना के इनको पिला देती हूँ। तो यहाँ पर ये पूजा कर रहे थे और फिर इनको चाय बना के दूंगी। तब तक मैंने सोचा चलो ये इसको साफ़ कर देते हैं ऐसे कपड़े से, नहीं तो ये क्या होता है ना, जो मैंने ये धोया है ना तो पानी से वापस ये ख़राब हो जाएगा, पूरा ऐसे दिखेगा धोया हुआ है और ऐसे बन जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से कपड़े से बाहर बाहर पोंछ लेती हूँ, अंदर से तो क्या अभी पानी भरना है तो पोंछने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये पीछे पूजा करके उठ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको अभी चाय डाल देती हूँ और फिर ये पी के शॉप पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर चाय मैं इनको दे रही थी, तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी थी और उसके बाद आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना था, तो इस बात की और भी मुझे खुशी थी। मुझे गाइस क्या आज नाश्ता नहीं बनाना, तो ये मुझे खुशी थी बहुत। कभी कभी आपको भी ऐसी खुशी मिलेगी आज हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा, तो इस बात की खुशी मुझे बहुत मिलती है क्योंकि रोज सुबह उठ के गाइस नाश्ता। फिर मैंने सारा घर का काम निपटाया, फिर मैंने सोचा चलो कपड़े धो के सुखा देते हैं, तो फिर नहा धो के और कपड़े भी धो दिए और फिर अब सुखा देती हूँ, क्योंकि गाइस मौसम कब ख़राब हो जाता है पता ही नहीं चलता। कल तेज़ बारिश थी यहाँ पे, बहुत ज़ोर से बारिश थी यहाँ पे, और कपड़े तो सूख ही जाते हैं पर थोड़े बहुत कोई कपड़े रह जाते हैं, गीले रह जाते हैं, तो फिर क्या करती हूँ मैं रूम में सुखा देती हूँ बारिश आती है तो, क्योंकि फ़ैन चलता रहता है तो सूख जाते हैं कपड़े सारे। तो मैंने सोचा चलो टाइम पे सुखा देते हैं कपड़े, नहीं तो वापस अगर लेट हो गया तो कपड़े गीले रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 दिन से मौसम बहुत ख़राब है, हल्की हल्की बारिश होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बोतल जो मेरे पीछे यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही रखी हुई है, ये इनके हाथ से टूट गई थी। इसमें हम क्या है ना पानी लाते हैं ना, तो सॉप लेके गए थे, टूट गई थी। और एक तुषांत की गाड़ी पड़ी है, एक डस्टबिन पड़ा है, तो ये बोतल मुझे बाहर कबाड़े वाले को देनी है। फिर कपड़ा सुखाने के बाद मैंने बनाया खाना, क्योंकि आज मेरा और तुषांत का ही खाना बनाना था, तो बस थोड़ी बहुत ही रोटी बनानी थी और सब्जी बनानी थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ क्योंकि लेट हो गया था और तुषान को खाना खाना है इसी वजह से, क्योंकि खिलाना भी है तो मुझे फटाफट रोटी बनानी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा इसके पापा शॉप से आते हैं तो वो खिला देते हैं तुषान को। आज मेरी जिम्मेदारी है तो मैं सोचा कि फटाफट रोटी साथ में बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, साथ में सब्जी भी बन रही थी, तो फटाफट बन जाएगी, फिर तुषान को मैं खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने आलू की सब्जी बनाई है और जैसे वो खाएगा उसको खिला दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ही बनाई है, वैसे तो मेरे को आलू की सब्जी गाइस आजकल अच्छी भी नहीं लगती, पहले बहुत पसंद थी, पता नहीं क्या हो गया है। और यहाँ पर मैंने एक घी का पराठा बनाया है सुशांत के लिए और मैंने ये 2 चपाती ली है, बस हो गया हमारा ये खाना आज का। और शाम को और देखेंगे क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर और मेरी मम्मा का वीडियो लाइक जरूर करें, मम्मा का वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बोलो थैंक यू सभी को। फिर यहाँ पर दोनों बाप बेटा और ये घर पे आ गए थे और इनको कुछ खाना था, अभी तो आपने खाना खाया, तो ये घर पे था नहीं तो मैंने फिर बनाया भी नहीं, तो घर पे आके इन्होंने सुबह सुबह तो नहीं पीते, थोड़ा बहुत दूध डाल के बनाना चेक बनाया था, तो दोनों ने पिया और मैंने बोला कि इसके खाना